तो कहानी शुरू होती है एक रेडियो से। इस रेडियो के अंदर दो आतंकवादी गाने सुन रहे होते हैं और तभी इन पर हमला होता है, जहाँ एक हेलीकॉप्टर में कुछ लोग इन पर हमला कर देते हैं। और तभी हमें ये दिखाया जाता है यहाँ पर कुछ लोगों की टीम है, यानी कि ये लोग एजेंट है, इन्होंने एक आतंकवादी को पकड़ लिया है। और तभी आतंकवादी अपने आप को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन एक ऑफिसर उनके ऊपर कूद कर सारे ब्लास्ट को अपने ऊपर झेल लेता है। और तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एक बंदा हैरी, और उसके सामने होता है लैंसलॉट। तो हैरी उसको बोलता है कि तुमने इस बंदे को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी थी, इसने अपनी जान गंवा कर हम सबको बचा लिया। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है हैरी, वो आता है इस औरत के पास और कहता है कि आपके पति जो है एक किंग्समैन थे और किंग्समैन लोगों को बचाने का काम करते हैं, तो आपके पति जो है अच्छे काम के लिए शहीद हो चुके हैं और हम आपको दे रहे हैं ये लॉकेट, आपको कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो आप इस नंबर पर कॉल करें। लेकिन कहती है कि मुझे तुम लोगों से कोई मतलब नहीं है, तुम लोगों ने मेरा पति छीन लिया, ऐसे ऐसे कह के इसको भगा देती है। तो हैरी आता है इस बच्चे के पास, इस बच्चे का नाम है एग्जी। तो वो एग्जी को बोलता है कि तुम अपनी माँ का और इस लॉकेट का हमेशा ध्यान रखना। और यहाँ हमें दिखाया जाता है एक प्रोफेसर जिसको बंदी बना रखा है और ये कहता है कि मुझे छोड़ देने तो मैं सबको मरवा दूंगा, मेरे पीछे बहुत बड़ी टीम है। और तभी यहाँ का दरवाजा खड़खड़ होता है और ये बंदा खोलने की कोशिश करता है और तभी इस पर हमला कर देता है ये बंदा जो है लैंसलॉट, और ये बड़े ही स्टाइल से इन सब लोगों को मार देता है। उसका प्रोफेसर को कहता है मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। और तभी दरवाजे की घंटी बजती है, वो दरवाजा खोलने जाता है लेकिन उसके ऊपर होता है हमला और ये लड़की उसके गिलास को पकड़ती है और ये दो हिस्सों में कट जाता है। और इस लड़की का नाम है गजल। तो ये भाग कर जाती है, कुछ कपड़े लेकर आती है और जितने लोग मरे हैं सबको ढक देती है। फिर वो दरवाजा खोलती है और वहां से निकलता है रिच मैन वैलेंटाइन। तो वो दारू पीता है और आता है प्रोफेसर के पास और वो उसको बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, इसलिए मैंने तुम्हें किडनैप करवाया था, लेकिन उससे पहले ये जो आदमी मरा है मुझे इसका पता लगाना ये कौन है। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है हैरी हार्ट, वो आता है किंग्समैन की शॉप पर और अंदर जाता है तो अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि चश्मा पहनने के बाद ही नजर आते हैं। और यहाँ पर ये सारे एजेंट्स होते हैं और ये लोग कहते हैं हमारा एक साथी मारा गया तो उसकी याद में हम लोग दारू पियेंगे उसके सम्मान में, और ये लोग एक पैग लगाते हैं। उसके बाद वहाँ पर आता है ये टकला मर्लिन। तो मर्लिन बताता है कि कुछ लोगों ने एक ऐसा वायरस तैयार किया है जो किसी के अंदर चला जाए तो वो बहुत ज्यादा आक्रामक हो जाता है और सब पर हमला करता है और लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। तो ये इस जगह पर हो चुका है और पिछले दिनों प्रोफेसर को किसी ने किडनैप कर लिया था, उसको बचाने के लिए हमारा एजेंट गया पर हमारा एजेंट को किसी ने मार दिया और अगले ही दिन ये प्रोफेसर हमें घूमता हुआ नजर आया, यानी कि प्रोफेसर बिल्कुल आजाद है। तो हैरी कहता है ठीक है मैं उससे पता लगाता हूँ। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है एग्जी, अब वो बड़ा हो चुका है और उसकी मम्मी का एक बॉयफ्रेंड है और इसका नकली बाप यानी सौतेला बाप एग्जी को ज्यादा पसंद नहीं करता, उसके सामने उल्टी सीधी हरकतें करता है। और ज्यादा एग्जी आता है अपने दोस्तों से बातचीत करता है और वो कहता है कि मेरा मन करता है कि मैं उसका सर फोड़ दूं, अपनी मम्मी के बॉयफ्रेंड का। और तभी वहां पर बैठा होता है इसकी मम्मी के बॉयफ्रेंड का भाई, वो कहता है तू मेरे भाई का सर फोड़ेगा। वो इसको धमकी देता है कि निकल लो यहां से नहीं तो तुम्हें मार दूंगा मैं। और शायद एग्जी यहां से निकल जाता है लेकिन वो अपने साथ ले आता है इसकी गाड़ी की चाबी और वो गाड़ी में बैठकर पूरी मस्ती मारता है इसके सामने ही और इस बंदे की जलाकर लाल कर देता है। उसका तो गाड़ी लेकर भागता है और उसके पीछे लग जाती है पुलिस और वो अपने दोस्तों को निकाल कर खुद अरेस्ट हो जाता है। और यहां पर पुलिस ऑफिसर एग्जी को कहता है कि जल्दी से अपनी मम्मी को फोन करो और उन्हें बता देना कि तुम 1.5 साल से पहले घर नहीं वापस जाओगे। और तभी एग्जी निकालता है अपना लॉकेट और उसके पीछे होता है एक नंबर, वो नंबर मिलाता है और फोन करता है और कहता है कि मैं एक बुरी मुसीबत में फंस चुका हूँ, क्या तुम मुझे बचा सकती हो। तो वहां से आवाज आती है रॉन्ग नंबर, तो ये बोलता है कि किंग्समैन। तो वहां से आवाज आती है आपकी कंप्लेंट दर्ज कर दी गई है, उम्मीद है आप हमारी सर्विस से खुश रहेंगे। उसके अगले ही पल एग्जी को यहां से छोड़ दिया जाता है बिना किसी सवाल जवाब के और वो जा रहा होता है। तभी उससे मिलने आता है हैरी और हैरी बताता है कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हें ये लॉकेट दिया था, तुम बहुत होनार हो और हमारा एक एजेंट मारा जा चुका है और उसकी पोस्ट खाली है, तो उस पोस्ट को भरने के लिए मैं तुम्हारा नाम अपनी एजेंसी में दे रहा हूँ, तो तुम्हारी थोड़ी सी ट्रेनिंग होगी और तुम हमारे साथ आ जाओ। लेकिन एग्जी मना करता है, कहता है कि तुम लोगों ने मेरे पिता को तो अच्छे से संभाल नहीं दिया, मुझे क्या संभालोगे। उसके बाद यहीं पर आ जाते हैं एग्जी के नकली पापा के भाई इसको मारने के लिए और तभी हैरी कहता है यहाँ से चले जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। लेकिन ये बंदा बोलता है कि निकल ले दद्दू नहीं तो 4 कंधों पे जाएगा। इसके बाद हैरी जाने लगता है यहाँ से। उसके बाद ये बंदा फिर बोलता है कि जाते जाते बुड्ढे वो दरवाजा बंद कर दिए। यहाँ पर हैरी दरवाजा बंद करते हुए बोलता है कि इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। उसके बाद वो उठाता है ये गिलास और देता है इसके माथे पे। उसके बाद बहुत ही यूनिक और अच्छे स्टाइल से सब लोगों की धुलाई करता है। उसके बाद ये बंदा इस पर गोली चलाता है लेकिन हैरी अपना छाता खोलता है जो कि बुलेट प्रूफ होता है, वो उसकी सारी गोलियों को ऑब्जॉर्ब कर लेता है और एक फायर करता है जिससे ये बंदा पलटियां खा जाता है। उसके बाद एक बंदे को एनेस्थीसिया देकर उसको बेहोश कर देता है क्योंकि वो पुलिस को फोन करने वाला था।
उसके बाद वो एक्जी को बोलता है कि एक्जी तुम मेरे साथ अगर नहीं आए तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो कहता है ठीक है मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। और ये कहता है कि तुम किसी से हमारे बारे में डिस्कस मत करना जो मैंने तुम्हें बातें बताई है कि हम एक एजेंसी चला रहे हैं जिसमें दुनिया में आने वाले खतरे से हम लड़ते हैं। तो ये कहता है मैं नहीं बताऊंगा। और यहाँ पर हमें दिखाया था रिच मैन वैलेंटाइन और उसकी सेक्रेटरी गजल, और इनकी न्यूज आ रही है कि इन्होंने बहुत बढ़िया फिल्म बनाई है और उस फिल्म के जरिए ये एक संदेश देना चाहते हैं जो कि बहुत ही जल्द ये टीवी पर आकर लाइव अनाउंसमेंट करेंगे। और तभी एक्जी अपने घर पर आता है लेकिन, और यहाँ पर इसकी माँ का पति एक्जी को पीटने लग जाता है और वो पूछता है कि बता मेरे भाई को किसने मारा, कौन था वो। लेकिन यहाँ पर एक्जी बोलता है मुझे नहीं पता वो कौन था। और तभी यहाँ के स्पीकर चालू हो जाते हैं और हैरी बोलता है कि एक्जी को छोड़ दो नहीं तो तुमने जितने भी क्राइम किए हैं वो सारे सबूत मैं पुलिस वालों को भेज दूंगा और पुलिस वाले तुम्हें आकर यहाँ से अरेस्ट करके ले जाएंगे। और वो बोलता है कि एक्जी तुम जल्दी से मेरे पास आओ, जो मैंने तुमको एड्रेस दिया था वहां पर आ जाओ। उसके बाद एक्जी आता है हैरी के पास और हैरी इसको एक कमरे में लेकर आता है और उसको समझाता है कि देखो हमारे ऊपर दुनिया को बचाने का जिम्मा है तो हमने दुनिया को बचाना है और एक जगह खाली है और तुम चलो मेरे साथ। और वो एक दरवाजा खोलता है, एक सीक्रेट दरवाजा, और वो जमीन के नीचे जाता है और जमीन के नीचे है एक लिफ्ट जैसी चीज और वो डायरेक्ट जाती है इस बड़े से घर में। और यहाँ पे वो आकर कहता है कि मैं लेट हो चुका हूँ चलो जल्दी चलो। उसके बाद वो दिखाता है यहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्लेन है, एक से एक गैजेट्स हैं। और मलिन कहता है चलो उधर जाओ। उसके बाद यहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं और मरलिन कहता है कि आप लोगों को चुना गया है एक उपाधि के लिए, लैंसलॉर्ड की उपाधि हमारे पास खाली है और हम लोग दुनिया को बचाने का काम करते हैं तो इसलिए यहाँ पर होगी तुम्हारी 6 महीने की ट्रेनिंग। और यहाँ पर एक्जी रॉक्सी से मिलता है और चार्ली से मिलता है। चार्ली और उसके बंदे एक्जी का मजाक बनाते हैं लेकिन एक्जी इन सबका ही मजाक बना देता है। और यहाँ पर रिच मैन वैलेंटाइन दिखाया जाता है जो कि एक व्यक्ति से बात कर रहा है और उसको समझा रहा है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी मुसीबत है गरीबी, तो गरीबी को हटाने के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, आप हमारे साथ जुड़ जाएं। और हमें दिखाया जाता है कि वो जिस बंदे से बात कर रहा था वो व्हाइट हाउस में बैठा हुआ था, यानी कि मिनिस्टर से बात कर रहा था वो। और यहाँ पर एक्जी का सीन दिखाया जाता है और उसकी पूरी टीम का जिनकी ट्रेनिंग चल रही है। यहाँ पर बहुत सारा पानी भर जाता है और सब लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। चार्ली कहता है कि शावर का ट्यूब निकालो उसमें से हम सांस ले सकते हैं, लेकिन एक्जी कहता है अरे हम लोग वहाँ दरवाजे को एक साथ पकड़ के खींचेंगे तो दरवाजा खुल सकता है, लेकिन इसकी कोई नहीं सुनता। सब लोग अब सांस लेने के लिए वो शावर निकालते हैं और लैटरिन के अंदर ही घुसा देते हैं ताकि ये लोग सांस ले सकें। और यहाँ पर एक्जी अकेला ही दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन नहीं खुल पाता, तो एक्जी देखता है उधर शीशा, वो शीशे पे 2-3 पंच करता है और शीशा टूट जाता है और ऐसे सब लोग बच जाते हैं। यहाँ पर मर्लिन कहता है कि तुम्हारा सबसे पहला सबक तुम्हें हमेशा टीम वर्क करना होगा, यानी टीम में रहकर काम करना होगा, तुम सब फेल हो चुके हो। यहाँ पे दिमाग चलाया है एक्जी ने। और इधर हैरी मिलने आया है प्रोफेसर से और प्रोफेसर का कान पकड़ के उससे पूछ रहा है कि तुम किसके लिए काम कर रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरा एक साथी मारा गया। और तभी वो बंदा ब्लास्ट हो जाता है और उसी ब्लास्ट में हैरी को भी काफी चोट आ जाती है। और हमें दिखाया जाता है रिच मैन वैलेंटाइन ने ही उस बंदे के गले में एक चिप लगा रखी थी, उसे ब्लास्ट किया था। और वो कहता है कि मेरा प्लान जो है उस ऑफिसर के हाथ में लग जाता है इसलिए मैंने उस बंदे को मार दिया। इधर मर्लिन कह रहा है कि अपने लिए एक कुत्ता चुन लो, तो सब लोग अपने लिए एक कुत्ता चुनते हैं लेकिन यहाँ पर एगी सबसे छोटा कुत्ता चुनता है। और उसके बाद वो आता है ऑर्थर के पास, ऑर्थर को मर्लिन बताता है कि इनके सर में जो चोट लगी है उसमें हमें पता नहीं वो क्या है लेकिन इनको होश आएगा वो भी नहीं पता कब तक इनको होश आएगा, यानी कि इनको जो चोट लगी वो बहुत ही अजीब है। वहीं पर एक्जी आता है, एक्जी भी हालचाल पूछता है तो उसे बताया जाता है कि तुम अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो। यहाँ पर एक्जी अपने कुत्ते को बोलता है कि देखो मर्लिन ने कहा हम तुम्हें उठा नहीं सकते तो जल्दी चलो, नहीं चलोगे तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि रिच मैन वैलेंटाइन ने बहुत सारी सिम कार्ड बनाने का ऑर्डर दिया है और बहुत सारे सिम कार्ड तैयार किए जा रहे हैं। और यहाँ पर हैरी को होश आ चुका है और हमें दिखाई जा रही है यहाँ पर इन सब लोगों की ट्रेनिंग जो कि अब निशानेबाजी की ट्रेनिंग कर रहे हैं। और इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रिच मैन वैलेंटाइन के पास आया है एक मिनिस्टर और स्वीडन की राजकुमारी, तो वो इन्हें कुछ प्लान डिस्कस करता है लेकिन राजकुमारी इसके प्लान में शामिल नहीं होना चाहती, तो ये लोग राजकुमारी के साथ जबरदस्ती करते हैं। तो राजकुमारी अपने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाती है लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को ये गजल बहुत ही भयंकर तरीके से मार देती है सभी को। और यहाँ पर मिनिस्टर दिखाया जाता है जिसके गले में एक चिप लगा दी गई है और वो इनके साथ काम करने लग चुका है। और यहाँ पर हैरी एक्जी को शाबाशी दे रहा है कि तुम अच्छा काम कर रहे हो, तुम्हारे नंबर ज्यादा अच्छे आ रहे हैं। और उसके सामने ही वो अपनी रिकॉर्डिंग देखते हैं। यहाँ पर मर्लिन बताता है हैरी को उस दिन जब तुमने उस प्रोफेसर को मारने की कोशिश करी तभी वो ब्लास्ट हो गया लेकिन उसके गले में हमें एक सिम कार्ड मिला और वो सिम कार्ड रिच मैन वैलेंटाइन के नाम पर है। तो एक्जी कहता है रिच मैन वैलेंटाइन एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाला है आज। तो ये लोग देखते हैं रिच मैन वैलेंटाइन की जो बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, तो वो अनाउंस करता है कि मैं एक ऐसा सिम बना रहा हूँ जो सबको मैं फ्री में दूंगा, सारी कॉल्स फ्री, सारा इंटरनेट फ्री और हमेशा के लिए फ्री और सबके लिए फ्री। तो यहाँ पर हैरी कहता है दाल में मुझे कुछ काला लग रहा है, तुम ऐसा करो मेरी एक अलग आईडी तैयार करो ताकि मैं इस बंदे से मिलकर पता लगाऊं या फिर इसके दिमाग में चल क्या रहा है, ये सब कुछ फ्री क्यों दे रहा है। और यहाँ पर रॉक्सी और एक्जी डरे हुए हैं क्योंकि अब इनको ट्रेनिंग में इस बड़े से जहाज से नीचे कूदना है और अपने लक्ष्य पर पहुंचना है, तो सब लोग यहाँ से कूद जाते हैं। और कूदते कूदते बीच में ही मर्लिन बताता है कि तुम सब में से किसी एक के बैग में पैराशूट नहीं है तो अब तुम लोग कैसे बचोगे। और तभी एक्जी कहता है ऐसा है ना हम सारे मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और बारी बारी अपना पैराशूट खोलेंगे।
करेंगे तो धीरे धीरे लोग अपना पैराशूट खोलते हैं और नीचे गिरते रहते हैं। आखिरी में बचते हैं रॉक्सी और एग्जी। अब यानी कि इन दोनों में से किसी एक के बैग में पैराशूट नहीं है, तो ये दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और रॉक्सी अपना पैराशूट खोलती है, लेकिन रॉक्सी का पैराशूट होता है तो वो दोनों बहुत ही नीचे आकर अपने लक्ष्य पर गिर जाते हैं। तो यहाँ पर मर्लिन कहता है कि तुम में से सिर्फ 3 लोग ही इस टास्क को पूरा कर पाए हैं, एग्जी, रॉक्सी और चार्ली, बाकी लोग अपने घर जाओ। उसके बाद यहाँ पर एग्जी को बहुत गुस्सा आता है, कहता है कि तुमने मेरे ही बैग के अंदर पैराशूट क्यों नहीं डाला। उसका मर्लिन कहता है कि जो कुछ कहना है मेरे कान में आके कहो, और जैसे ही एग्जी उसके पास आता है मर्लिन उसके कान में बोलता है एक बार पैराशूट खोल के तो देखते। उसके बाद वो पैराशूट खोलता है और उसके बैग में पैराशूट होता है। तो यहाँ पर एग्जी को हंसी आती है। और उधर हमें दिखाया जाता है हैरी, वो आया है वैलेंटाइन के पास और वो कह रहा है कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए बहुत पैसा चाहिए और मैं कुछ पैसा आपको फंड करना चाहता हूँ क्योंकि आप समाज की भलाई कर रहे हैं। तो रिचमैन वैलेंटाइन भी इसकी तारीफ करता है और वो समझ जाता है कि ये कोई ना कोई एजेंट है, और वो कहता है अपनी गजल को उसको भेजने के बाद कि मैंने उसके कोल्ड ड्रिंक में एक जेल वाला ट्रैकर डाल दिया है जो कि 24 घंटे बाद हमें बताएगा कि ऑफिसर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, सब हमें पता चलेगा। और यहाँ पर हैरी को आर्थर बताता है कि स्वीडन की राजकुमारी गायब है और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग गायब हैं। और यहाँ पर रिचमैन वैलेंटाइन आया है स्वीडन की राजकुमारी के बारे में, उसको बोल रहा है कि बताओ तुम जो मैं करना चाह रहा हूँ तुम हमारे प्रोजेक्ट में आओगी या नहीं आओगी। लेकिन स्वीडन की राजकुमारी कहती है तुम पागल हो। और हमें दिखाया जाता है न्यूज पर कि बहुत सारे मिनिस्टर लापता हैं, बहुत सारी राजकुमारियां लापता हैं, और ये मिनिस्टर कह रहा है कि हम कोई बात नहीं हम धीरे धीरे उन सबको ढूंढ लेंगे। और इधर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं सिम कार्ड लेने के लिए और रिचमैन वैलेंटाइन के सिम कार्ड हर तरफ बिक रहे हैं और उसकी बहुत चर्चा है। और यहाँ पर इनको मिला है एक और टास्क, चार्ली, रॉक्सी और एग्जी तीनों को एक लड़की पठानी है। तो ये तीनों निकलते हैं। चार्ली इस लड़की की बहुत तारीफ करता है मीठी मीठी। उसके पास ही आती है रॉक्सी, रॉक्सी भी उस लड़की की तारीफ करती है, और तभी उसके सामने आता है एग्जी और एग्जी कहता है कि तुम्हारी आंखों में नशा है या ये दारू ज्यादा नशीली है जो मुझे चढ़ रही है। और तभी उस लड़की का फोन आता है, वो लड़की उठकर चली जाती है और उनके सामने आता है ये बंदा, और ये बंदा इन तीनों को बेहोश कर देता है। और वो एग्जी को एक ट्रैक पर बांध देता है और उससे पूछता है कि ये किंग्समैन क्या है मुझे बताओ, तो ये कहता है मैं नहीं बताऊंगा। तो बहुत कोशिश करने के बाद वो नहीं बताता और उधर से ट्रेन आने लग जाती है। और ट्रेन के गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है ये एक टेस्ट था जिसको हैरी कहता है कि तुमने बहुत अच्छे से कर्तव्य किया। तो एग्जी पूछता है बाकियों के क्या हाल है, तो हैरी कहता है कि रॉक्सी भी इस इम्तिहान में पास हो चुकी है, अब चार्ली बचा है, चलो चार्ली को देखते हैं। और यहाँ पर चार्ली से पूछता है ये बंदा कि बताओ किंग्समैन क्या है और कौन इसके साथ काम करता है, तो ये सब कुछ बोल देता है अपनी जान बचाने के लिए। और तभी उसके पास आता है ऑर्थर, क्योंकि ये ऑर्थर का रिश्तेदार था, और वो उसको बोलता है कि तुमने अच्छा नहीं किया, तुम इस एग्जाम में फेल हो चुके हो। और यहाँ पर क्वालिफाई कर चुके हैं रॉक्सी और एग्जी, वो इन दोनों को धन्यवाद देता है। और यहाँ पर रिचमैन वैलेंटाइन एक बहुत बड़ा धमाका करने वाला यानी कि कुछ गजब ही करने वाला है, उसके लिए वो सिक्योरिटी पैटर्न बना रहा है, सारा कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहता है। उसके बाद हैरी एग्जी को लेकर आता है एक सीक्रेट रूम में और वो दिखाता है यहाँ पर एक से एक गैजेट्स, एक से एक हथियार, एक से एक जूते, और वो कहता है ये जो जूता है बहुत ही खास है, इस जूते के अंदर है रामपुरी, जिसको ऐसे घुमाएंगे तो इसमें से रामपुरी निकलेगी, और ये रामपुरी आप जिसको चुबा दोगे वो बंदा अगले ही पल नीला होके मर जाएगा। और ये एक पेन, इस पेन के अंदर एक जहर है जो कि एक गिलास के अंदर आप किसी को पिला दो यानी कि किसी को भी पिला दो और ये बटन फिर दबाना होगा उसको मारने के लिए और बंदा मर जाएगा। ऐसे ऐसे कुछ गैजेट्स को इसके सामने एक्सप्लेन करके यहाँ से चलने लगता है। और इधर में दिखाया जाता है ऑर्थर एग्जी को देता है बंदूक और कहता है अपने कुत्ते को गोली मार दो। और यहाँ पर रॉक्सी को भी बंदूक दे के मर्लिन कहता है अपने कुत्ते को गोली मार दो। यहाँ पर एग्जी अपने कुत्ते को गोली मारने की कोशिश करता है लेकिन इसका कुत्ता रोता है, लेकिन एग्जी अपने कुत्ते को गोली नहीं मारता और वहाँ रॉक्सी मार देती है। तो ऑर्थर कहता है चलो लड़की में तो दम है, और ऑर्थर एग्जी को कहता है चलो निकलो यहाँ से। उसके बाद एग्जी आता है अपने घर पर, वो देखता है इसकी माँ का मुंह तोड़ा हुआ है इसके नकली बाप ने, तो वो आता है उससे लड़ने के लिए अपने बॉस की गाड़ी चुरा कर, और उसको धमकी देता है, कहता है कि मैं तुझे मार दूंगा, मैं तेरे साथ ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, ऐसे करके वो धमकाता है। और तभी ये गाड़ी ऑटोमेटिकली लॉक हो जाती है और गाड़ी को चला रहा होता है हैरी, वो अपने पास बुलाता है और उसको समझाता है कि तुमने अपने कुत्ते को गोली क्यों नहीं मारी। तो एग्जी बोलता है कि मैं किसी बेजुबान की जान नहीं लेना चाहता, ये सिर्फ एक इम्तिहान था, उस बंदूक के अंदर गोलियां नहीं थी, गोलियां थी तो वो नकली थी। और तभी मर्लिन कहता है हैरी को कि रिचमैन वैलेंटाइन एक चर्च के अंदर कुछ बड़ा करने वाला है, तो जल्दी से हमें कुछ करना होगा। और यहाँ पर रिचमैन वैलेंटाइन सबको मार्क कर रहा है कौन हमारे साथ है कौन नहीं है। और यहाँ पर हैरी कह रहा है मेरे लिए प्लेन तैयार करो, मेरे को जाना है एक मिशन में, और वो एग्जी को बोलता है कि तुम यहीं पर रहना, मैं आके तुमसे मिलूंगा। और हमें दिखाया जाता है उस चर्च का सीन जहाँ पर कुछ धार्मिक लोग बैठे हैं और वो लोग साइंस का विरोध कर रहे हैं, और वो बोल रहे हैं जो भी हमारे धर्म को नहीं अपनाएगा उसे हम देशद्रोही का खिताब देंगे और उसे इस देश से बाहर निकाल देंगे। और यहाँ पर हैरी जाने लगता है, और यहाँ पर रिचमैन वैलेंटाइन एक सिस्टम चालू करता है और उस सिस्टम से इन लोगों के पास जितने भी फोन होते हैं उस फोन के अंदर इसका
एप्लीकेशन ओपन होता है और उसके अंदर एक अलग सा म्यूजिक, एक अलग सा रेडिएशन बजने लगता है, जिसकी वजह से सब लोग आक्रामक हो जाते हैं और सबके अंदर गुस्सा आ जाता है और सब लोग एक दूसरे को मारने लग जाते हैं। और यहाँ पर हैरी भी एक एक को कुत्ते की तरह मारता है बहुत ही बुरी तरह से और बहुत ही बेरहमी से। और यहाँ पर मर्लिन भी हैरी को समझाने की कोशिश करता है, हैरी होश में आओ होश में आओ, लेकिन यहाँ पर सब लोग पागल हो जाते हैं। उसके बाद रिचमैन वैलेंटाइन वो म्यूजिक बंद करता है तो तब यहाँ पर सब लोग शांत होते हैं सबके मरने के बाद। यहाँ पर बचता है सिर्फ और सिर्फ हैरी। तो हैरी कहता है कि तुमने क्या किया ये मेरे साथ, और रिचमैन वैलेंटाइन उसके सामने उसको आकर उसको गोली मार देता है। और यहाँ पर एग्जी और मर्लिन के होश उड़ जाते हैं और वो बहुत रोता है। और यहाँ पर आर्थर बुलाता है एग्जी को और कहता है कि हैरी की मौत का मुझे बहुत दुख है, तो हमें उसके सम्मान में एक जाम पीना होगा। और तभी एग्जी देखता है इसके गले में वही चिप लगी हुई है जो कि बाकियों के में था। तो आर्थर इसको ड्रिंक बना के देता है, लेकिन एग्जी ड्रिंक एक्सचेंज कर देता है। उसके बाद आर्थर उठाता है पेन और कहता है कि तुमने अभी जो ड्रिंक पिया है ना, उसके अंदर जहर है और मैं यहाँ से बटन दबाऊंगा तो तुम मारे जाओगे। तो यहाँ पर एग्जी कहता है कि तुम क्या चाहते हो। तो आर्थर कहता है कि मैं रिचमैन वैलेंटाइन से मिला था और उसका प्लान बिल्कुल सही है। वो ये चाहता है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं आधे लोग मर जाएं, क्योंकि दुनिया बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है और रिसोर्सेस खत्म हो रहे हैं, तो कम लोग रहेंगे तो हम लोग ज्यादा टाइम तक जिंदा रहेंगे। इस ये बात मेरी समझ में आ गई, अगर तुम मेरे साथ हो तो बताओ, नहीं हो तो मैं तुम्हें अभी मार देता हूं। तो एग्जी कहता है मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। उसके बाद आर्थर वो बटन दबा के उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये खुद ही मर जाता है। उसके बाद एग्जी उसके गले में से निकालता है वो चिप और आर्थर के फोन में एक टाइमर चालू हो जाता है 6 घंटे का, कि 6 घंटे में सेफ जोन में चले जाओ नहीं तो सब लोग मारे जाएंगे। और यहाँ पर रॉक्सी और मलिन आते हैं, उसे कन्फर्म करते हैं एग्जी को, और एग्जी यहाँ पर बताता है कि वो हमारे साथ मिला हुआ है। और यहाँ पर ये सब लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि आर्थर जो है वो वैलेंटाइन से मिला हुआ है और वो एक सेफ जगह में जाना चाहता है, तो उसके आईडी पर एग्जी तुम जाओगे और हम लोग रिचमैन वैलेंटाइन की जो आसमान के अंदर सैटेलाइट है उसको उड़ाएंगे, क्योंकि उसने जितनों को भी सिम दिया है उन सबके सिम में एक खास टेक्नोलॉजी है जिससे उनका फोन हैक हो चुका है और वो एक ऐसा म्यूजिक बजाते हैं, एक ऐसा रेडिएशन क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा आ जाता है और वो एक दूसरे को मार देते हैं। तो हमें सबसे पहले उसके सैटेलाइट को उड़ाना पड़ेगा, तो रॉक्सी ऊपर जाकर सैटेलाइट को उड़ाएगी और यहाँ पर मैं उसके चिप से उसके सारे सिस्टम को कनेक्ट कर दूंगा और सब कुछ हैक कर लूंगा। और यहाँ पर रॉक्सी को 2 बड़े बैलून्स में बांध कर ये लोग ऊपर भेज देते हैं एक मिसाइल के साथ, ताकि ये रॉक्सी उसके सैटेलाइट को फोड़ सके। और यहाँ एग्जी रॉक्सी को कहता है कि तुम चिंता मत करना, डरना मत बिल्कुल। और यहाँ पर रिचमैन वैलेंटाइन कहता है कि अच्छा हुआ आप लोगों ने मेरी शर्तें मान ली, नहीं तो आप लोग भी मरते। यानी कि रिचमैन वैलेंटाइन का प्रोजेक्ट यही था कि वो बड़े बड़े पैसे वाले लोगों से यही चीज बता रहा कि मैं ये दुनिया खत्म करने वाला हूँ आधे लोग, तो जितने भी लोग बचना चाहते वो सेफ जोन में आ जाए, मेरे साथ जुड़ जाए। और हमें वो आधी दुनिया दिखाई जाती है जहाँ पर सब लोग मस्त मजे से फोन चला रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि कुछ ही देर में इनकी बैंड बजने वाली है। और यहाँ पर एग्जिट तैयार हो जाता है एक किंग्समैन बनकर, और यहाँ पर रॉक्सी भी आसमान में उड़ने को तैयार है। उसके बाद एग्जिट आ जाता है रिचमैन वैलेंटाइन के पास और उसकी सिक्योरिटी उसको चेक करती है कि ये ऑर्थर है, क्योंकि उसका इन्विटेशन कार्ड ही देखती है वो फोन के अंदर। उसके बाद मर्लिन को कहता है कि जाओ अंदर अपना काम करो, मैं जा रहा हूँ पार्टी में। उसके बाद एग्जी आता है पार्टी के अंदर और वो मर्लिन से बात करता है और मर्लिन रॉक्सी से बात करता है, तो रॉक्सी कहती है मैं भी बिल्कुल उसके सामने हूँ सैटेलाइट के, उसको कभी भी फोड़ सकती हूँ। और यहाँ पर मर्लिन एग्जी को बोलता है कि मुझे यहाँ तुम्हारे वहाँ का सर्वर चाहिए, तो तुम कहीं से भी ये चिप जो है वो किसी भी लैपटॉप में किसी कंप्यूटर में लगा दो। उसके बाद एग्जी एक बंदे को मारकर उसके लैपटॉप में एक चिप लगा देता है और मर्लिन उनके सिस्टम को हैक करता है। और तभी यहाँ पर दिखाया जाता है चार्ली, वो एग्जी को पकड़ लेता है और चिल्लाकर बोलता है कि यहाँ पर एक जासूस है, और उधर रॉक्सी वैलेंटाइन की सैटेलाइट पर निशाना लगा रही है। और यहाँ एग्जी चार्ली को एक पंच मारता है और वहाँ आसमान में रॉक्सी का एक बैलून फूट जाता है। यहाँ रिचमैन वैलेंटाइन दुनिया खत्म करने में सिर्फ 16 मिनट बचे थे, तो वो 2 मिनट कर देता है शॉर्टकट करके। और यहाँ पर रॉक्सी मिसाइल चला देती है सैटेलाइट के ऊपर और एग्जी यहाँ पर लोगों से बचकर भाग रहा है और रॉक्सी अपने आप को उस बैलून से छोड़कर अर्थ की तरफ गिर रही है। और यहाँ एग्जी सबको पीट के निकल रहा है और यहाँ पर मिसाइल सैटेलाइट की तरफ बढ़ रही है और सैटेलाइट को ब्लास्ट कर देती है। और यहाँ पर रिचमैन वैलेंटाइन का जो प्लान था वो फेल हो जाता है और रॉक्सी यहाँ पर अपना पैराशूट निकालती है और वो सेफ लैंडिंग कर लेती है। और यहाँ पर एग्जी आता है मर्लिन के पास और लेकिन वहां पर होते हैं कुछ सिक्योरिटी गार्ड, तो मर्लिन सिक्योरिटी गार्ड को गोली मारता है और एग्जी को अपने पास बुलाता है और कहता है कि जल्दी से तैयार हो जाओ, अपने अपने हथियार ले लो, अब हमें रिचमैन वैलेंटाइन को मारना है। लेकिन यहाँ पर रिचमैन वैलेंटाइन एक दूसरे बंदे को कहता है फोन करके कि तुम्हारी सैटेलाइट हम इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमें तुम्हारी सैटेलाइट दे दो। और ये उस बंदे से परमिशन ले लेता है और सैटेलाइट को अपने डिवाइस से कनेक्ट करने लग जाता है। और यहाँ पर मर्लिन कहता है एग्जी को कि जल्दी करो,
क्योंकि रिचमैन वैलेंटाइन अब दूसरी सैटेलाइट से कनेक्ट होने वाला है और यहाँ पर सारे सिक्योरिटी गार्ड एक्जी पर हमला कर देते हैं, मर्लिन के पास आ जाते हैं और तभी एक्जी कहता है कि तुमने वो जो चिप करी थी ना हैक, वो इन सबके गले के अंदर चिप है, तो तुम उसको हैक करके इन सबकी जान ले सकते हो। तो मर्लिन यही करता है, मर्लिन उनके सारे सिस्टम को हैक करता है, उसके बाद एक एक को ब्लास्ट कर देता है और ये लोग दिवाली के पटाखों की तरह फटते हैं, जितने भी लोगों के गले में वो चिप लगी हुई थी। और आखिरी में ये मिनिस्टर फटता है। इधर एक्जी के पीछे एक लड़की होती है यानी कि वो राजकुमारी, वो कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो ये बोलता है मैं दुनिया बचाने आया हूँ। तो राजकुमारी कहती है अगर तुमने दुनिया को बचा लिया तो मैं तुम्हें वो दूंगी जो कभी किसी ने नहीं दिया। और यहाँ पर रॉक्सी एक्जी की मम्मी को फोन करती है, कहती है कि तुम अपनी बेटी को अंदर लॉक कर दो और चाबी अंदर ही घेर दो टॉयलेट के अंदर। और यहाँ पर रिचमैन वैलेंटाइन का सैटेलाइट कनेक्ट हो चुका है और सबके फोन में वो म्यूजिक बजने लग गया और सारी दुनिया पागल हो चुकी है, सब लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, पूरा शहर जो है एक दूसरे से लड़ाई कर रहा है, पूरा दंगा चल रहा है। यहाँ पर एक्जी की माँ भी अपने बच्चे को मारना चाह रही है और पूरे शहर में दंगा फसाद चल रहा है। और तभी यहाँ पर रिचमैन पर गोली फायर करते हुए पहुंच जाता है एक्जी, एक्जी वहाँ फायर करता है और तभी वैलेंटाइन को धक्का देकर ये गजल उधर गिर देती है और बोर्ड पे से वैलेंटाइन का हाथ हट जाता है, जिसकी वजह से माहौल फिर से शांत हो जाता है और रिचमैन कहता है जल्दी से जाके उसको मारो। और यहाँ पर गजल और एक्जी की लड़ाई होती है और इधर फिर से रिचमैन वैलेंटाइन अपना हाथ बोर्ड के ऊपर रखकर सबको मारता है और वहाँ पर पूरा शहर एक दूसरे से लड़ रहा है। यहाँ मर्लिन कह रहा है कि जल्दी से उसको मारो, रोको नहीं तो ऐसे पूरा शहर खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर लोग बड़े ही स्टाइल से लड़ते हैं और तभी एक्जी अपनी रामपुरी निकालता है और इस लड़की के हाथ पे मार देता है और ये लड़की यानी गजल हरी होकर मर जाती है। और यहाँ पूरा शहर एक दूसरे को खत्म करने के चक्कर में है और एक्जी गजल की टांग निकाल कर फेंकता है वैलेंटाइन की तरफ और वैलेंटाइन मर जाता है। और यहाँ पर रॉक्सी भी खुश हो जाती है और पूरा शहर शांत हो जाता है। मर्लिन भी यहाँ पर चैन की सांस लेता है और तभी एक्जी उठाता है यहाँ से शैंपेन और एक तरफ भागने लगता है और मर्लिन कहता है शैंपेन लाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारी है। और तभी वो पहुंचता है राजकुमारी के पास और राजकुमारी कहती है चलो मैं तुम्हें कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। और वो जाता है अंदर, यहाँ मर्लिन देखता है कि ये कर क्या रहा है और तभी वो कुछ ऐसा देख लेता है जो नहीं देखना चाहिए था। उसके बाद वो अपने लैपटॉप के दरवाजे बंद करता है, अपने कंप्यूटर के दरवाजे, और हमें यहाँ दिखाया जाता है एक्जी की माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ बैठी होती है और उसका बॉयफ्रेंड कहता है कि निकल ले यहाँ से। तो एक्जी अपनी माँ को बोलता है मेरी एक बहुत ही अच्छी जॉब लग चुकी है, अब तुम्हें इसके साथ रहने की जरूरत नहीं है, अब तुम मेरे साथ रहोगी। और तभी ये सब लोग इसको धमका दे हैं कि निकल ले यहाँ से। उसके बाद एक्जी दरवाजा बंद करता है और कहता है इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। उसका तो गिलास उठाता है और मारता है इसके माथे पे और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही अच्छी है, पूरे एक्शन से भरी है और ऐसा एक्शन आज तक किसी भी बॉलीवुड की फिल्म में नहीं आया है। तो इसका एक दूसरा पार्ट भी है, वो भी हम बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।